सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, हरिहरवंश के फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। बिम्बिसार के बेटे थे, नहीं, बिम्बिसार क्या करते थे? बिम्बिसार करते थे शादियों की नीति अपनाते थे, फर्स्ट किंग थे, 500 शादियां की थी। वहां से उनका एक बेटा हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु ने क्या किया था? उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, फॉलो किया था बौद्ध धर्म को, ठीक है। अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने ही फादर को यानी कि बिम्बिसार को मार डाला था, ठीक है। फिर अजातशत्रु का एक पुत्र होता है, एक सन होता है जिसका नाम होता है उदयन। उसने ही पाटलिपुत्र में स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना अगर पूछा जाएगा उस द फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र, तो आपको उदयन ही लगाना है, ठीक है, जो गंगा और सोम नदी के किनारे पे है बिहार में। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद शिशुनाग पढ़ा था, शिशुनाग वंश लास्ट राजा था कौन? आपका घनानंद, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, वो उसकी बेइज्जती करता है, किसकी? चाणक्य की। चाणक्य फिर चंद्रगुप्त की हेल्प से उसको मरवा डालता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य वंश, ठीक है। फाउंडर कौन है? जैसे नाम से पता चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएगा, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो प्लीज़ नोट करिएगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये फाउंडर है किसके? मौर्य वंश के, ठीक है। तो मौर्य वंश की जानकारी में मिलती है विष्णु पुराण में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में, ठीक है। ये फॉलोवर थे जैन धर्म के, जितने भी ये आ रहे हैं ना, जैसे मतलब अजातशत्रु हो गए, बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे और मौर्य थे जैन धर्म के। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो SSC और UKPCS में जो लेवल होता है उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉलोवर थे जैन धर्म के, ठीक है। मौर्य मौर्य चंद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा यूनानी था या फिर फॉरनर था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है, इन द रिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये था मेगस्थनीस। इनकी एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक बुक है जो फेमस है, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका किसने रोट की थी? वो मेगस्थनीस थे। किसके किसके समय आए थे, किसके रिंग में आए थे ये? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त की मृत्यु किस कारण होती है? ये उपवास के कारण होती है, मतलब फास्ट के कारण होती है। कर्नाटक में जो चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जिनको कहते हैं श्रवण बेलगोला में है, तो वहाँ इनकी फास्ट के कारण डेथ हो जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद इनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त का मौर्य का बेटा है जिनका नाम होता है बिंदुसार, और ये एक काम करते हैं, ये एक काम क्या करते हैं, वो काम ये एक काम करते हैं कि एक मिनट स्टूडेंट्स, ये ना 101 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। 101 बच्चे पैदा किया है, तो उसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है अशोक, ठीक है, अशोक, ठीक है। पहले सबसे पहला अशोक क्या होता है कि बहुत चालाक होता है, बहुत क्लेवर होता है ये भी, अपने अपने जो भाई होते हैं इसके, जो 101 भाई होते हैं, तो उनमें से बहुत मतलब क्लेवर होता है ये, ठीक है। जो पहला भाई होता है उसका नाम होता है सुमन होता है, फिर दूसरे का नाम होता है अशोक, ठीक है, मतलब सबसे सुमन होते हैं, फिर उसके बाद अशोक होते हैं, उसके बाद 99 और होते हैं, 99 और होते हैं, ठीक है। फिर अशोक क्या करता है, वो अपने 99 भाइयों को मार डालता है, मीन्स उसको वहाँ वहाँ की किंगडम हथियानी थी, राजपाट संभालना था, राजपाट के चक्कर में वो सब भाइयों को मार देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, राजपाट जब उसके, फिर ये अब आप सोच रहे होंगे कि इसने 99 को तो मार डाला, लेकिन एक को क्यों छोड़ा, है ना, सुमन को क्यों छोड़ा? कहीं कहीं लिखा होता है सुमन, कहीं 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 लिखा होता है तीसिया, ठीक है। तो दोनों कन्फ्यूज मत हो जाए, जो ये पूछा तो नहीं जाएगा एग्जाम, ये बस स्टोरी है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सुमन या तीसिया, ये इनको इसको क्यों छोड़ता है? क्योंकि इनको राजघाट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इनको जो है राजघाट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो उसके फिर ना, फिर अशोक का अशोक ने सब भाइयों को जैसे आप जानते हो मार डाला, ठीक है। फिर लास्ट टाइम पे क्या होता है, जो बिंदुसार होते हैं, कौन होते हैं बिंदुसार? जो अशोक के पापा जी, आप अशोक के फादर होते हैं। बिंदुसार जी भी जैन धर्म के फॉलोअर थे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त भी जैन धर्म के फॉलोअर थे, बिंदुसार भी जैन धर्म के फॉलोअर थे। और जो मौर्य वंश की मुद्रा थी, मतलब जो उनकी कॉइन थे, वो किस में थे? पर्ण में, याद रखिएगा, कॉइन जो थे इसके पर्ण, मौर्य वंश की मुद्रा थी पर्ण, ठीक है। फिर यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, जब इसने अपने पूरे भाइयों को मार डाला, यहाँ से कंटिन्यू करते आगे, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाते हैं अशोक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अशोक, तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर ये याद रख लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख करके, सबसे पहले खोज शिलालेख की 1750 में किसने की थी? टी फैंथलर ने की थी। और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप्स ने इन शिलालेख को पढ़ा था। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये कि सबसे पहले खोज शिलालेख की 1750 में किसने की थी? फैंथलर ने। और इसको
और इसको किसने पढ़ा था, जेम्स फिशर ने पढ़ा था 1876। अशोक का एक और नाम था जो जिससे फेमस था, क्या नाम था, देवानाम प्रियसे, ठीक है। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार, हाँ अशोक ने फॉलो किया था बौद्ध धर्म को, याद रखिएगा। जो इसके पापा थे बिंदुसार, उन्होंने तो जैन धर्म को फॉलो किया था, जैसे मैंने आपको बताया था जैन धर्म उनके, और बिंदुसार के भी जो पापा थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी जैन धर्म को फॉलो किया था, ठीक है। लेकिन बेटा जो बिंदुसार का बेटा था अशोक, उन्होंने किस धर्म को फॉलो किया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, ठीक है। इनके अशोक अशोक के एक लड़का था, एक लड़की थी, इसका नाम था महेंद्र और संगमित्रा। तो महेंद्र और संगमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा, क्यों भेजा, क्योंकि वहाँ भी ये अपना जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वहाँ फैला दें, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संगमित्रा, बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संगमित्रा, इसको श्रीलंका भेजा, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट कर लीजिए, 269 BC में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिएगा, 269 BC में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक द्वारा बनाया गया सबसे लंबा स्तंभ है सातवां, सेवंथ, ठीक है। कलिंग युद्ध में अशोक जीत जाते हैं, 261 BC का ये कलिंग युद्ध है, एग्जाम में डेट पूछी जाती है। सांची स्तूप भी हमारे कौन बिल्ट करते हैं, अशोक का। कलिंग की कैपिटल जो तोशिला, उसमें अशोक बैठ गया था, और जिसमें उस शिलालेख का वर्णन हुआ है वो 13वां शिलालेख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि जिसमें अशोक विजय हुआ था, अशोक कलिंगा की जो कैपिटल थी तोशिला में बैठा, और उस जिस जिसमें उस शिलालेख का वर्णन हुआ कौन सा शिलालेख है, तो 13वां शिलालेख है, ठीक है। श्रीनगर के फाउंडर भी हमारे अशोक जी है, ठीक है, अशोक ने भी श्रीनगर की फाउंडेशन की थी, ठीक है। अशोक मर जाते हैं आपका 232 BC में। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के ली थी किससे, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये एग्जाम में पूछा जाता है, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली किससे ली थी, या फिर अशोक को बौद्ध धर्म में कौन ले गए थे, तो याद रखिएगा उपगुप्त, उपगुप्त ले गए थे उसको बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो ये फैक्ट है अशोक के बारे में, ठीक है। और जो इसका लास्ट राजा था किसका, मौर्य वंश का, वो था हमारा बृहदर्थ, ठीक है, बृहदर्थ, ठीक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए उन्हें, ठीक है। फिर आते हैं शुंग वंश, शुंग वंश के जो फाउंडर थे हमारे पुष्यमित्र शुंग थे, और लास्ट राजा थे देवभूति, ठीक है, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पुष्यमित्र के शुंग के बारे में यही इंपॉर्टेंट है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे बस, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध कराए थे, ठीक है। सातवाहन वंश आते हैं फिर लास्ट में, फिर फाउंडर होते हैं इसके सिमुख, ठीक है, फाउंडर कौन से, सिमुख, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पूरा मगध पढ़ा दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे मतलब हर्यक वंश के फाउंडर बिंबिसार थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा, है ना, ताकि आप और क्लियर हो जाए। हर्यक वंश के फाउंडर कौन थे, बिंबिसार थे। बिंबिसार की क्या करता था, वैवाहिक नीतियाँ अपनाना था, 500 शादियाँ की थी, वहाँ से एक इसका पुत्र हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत ही मतलब गुस्से वाला था, इसने क्या किया था, इस बेवकूफ़ ने क्या किया था, अपने ही फादर को मार दिया था। फादर कौन थे इसके, बिंबिसार, मार दिया तो क्या बोलते, फिर राज करने लगा। अजातशत्रु के बाद क्या बोलते, उसका एक बेटा था उदयन, उदयन नहीं, पाटलिपुत्र जो बिहार में है गंगा और सोम नदी के किनारे, वहाँ उसकी स्थापना की थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ख़त्म हो जाता है कौन सा, ये हर्यक वंश, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसका बेटा नागदशक, जो नहीं, इसका पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने, ठीक है, उदयन ने तो स्थापना की थी, ठीक है। फिर इसका बेटा होता है किसका, उदयन का, नागदशक, और लास्ट राजा था कौन सा, हर्यक वंश का, यही नागदशक जो था लास्ट राजा था हर्यक वंश का, ठीक है। फिर नागदशक क्या होता है कि इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया, अपने ही राजा यानी कि अपने ही राजा नागदशक को मार दिया, तो वहाँ से शुरू हो जाता है फिर शिशुनाग वंश। शिशुनाग में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि शिशुनाग का फाउंडर और लास्ट राजा, यही याद करना है। शिशुनाग का फाउंडर कौन था, नाम से पता लग रहा है शिशुनाग, लास्ट राजा कौन था, नंदीवर्धन, ठीक है, यही याद करना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नंदवंश, नंदवंश के इन दोनों में सिर्फ ये याद करना है, फाउंडर शिशुनाग और लास्ट राजा नंदीवंश, कुछ किया नहीं इन्होंने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नंदवंश आता है, नंदवंश के फाउंडर कौन थे, महापद्मनंद, लास्ट राजा थे घरानंद। घरानंद क्या करता है, घरानंद के समय जब सिकंदर पंजाब में चढ़ाई कर रहा था, तो सिकंदर कहता है किसको घनानंद को, कि आप ऐसा, चाणक्य, सॉरी, चाणक्य कहते हैं घनानंद को कि आप ऐसा ऐसा करिए जिससे सिकंदर आपको हर आपसे आपको आपको हरा नहीं पाएगा। लेकिन ये अपनी उसमें आ जाते हैं, ये कहते हैं घनानंद कि आप अपना राज, अपना आप काम देखिए, आप मुझे मत सिखाइए कि राजपाट कैसे संभालते हैं, ठीक है। तो फिर चाणक्य को बेइज्जती फील होती है, उनको बहुत ऐसा लगता है कि इसने ऐसे कैसे कह दिया, तो फिर वो हेल्प लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उनके शिष्य थे, ठीक
ठीक है, चंद्रगुप्त की हेल्प से वो किसको मारा देते हैं, रानंद को मार देते हैं। तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है हमारे मौर्य वंश की। मौर्य वंश के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है हमारे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। फॉलोअर थे किसके? जैन धर्म के। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी आए थे इसमें, याद रखना, मेगस्थनीज जो आए थे इन्हीं के दरबार में आए थे। ठीक है, फेमस बुक इंडिका किसने रोट की थी? मेगस्थनीज में। ठीक है, चंद्रगुप्त मृत्यु उपवास के कारण श्रवण बेनगोला यानी कर्नाटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त के मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार। बिंदुसार ने एक और काम किया, किसने? 101 बच्चे पैदा किए। 101 बच्चे पैदा किए तो उसमें से अशोक भी था। अशोक ने 99 भाइयों को मार डाला, एक को छोड़ डाला। छोड़ा किसको? सुमन को। क्यों छोड़ा? क्योंकि इसको राजपाट से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, राजपाट से मतलब नहीं था तो हम अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक, अशोक मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसने अपने बेटे संघमित्रा और महिंद्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेज। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना, सांची स्तूप, कलिंग युद्ध, फाउंडर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, ये सब आपको मैंने बता दिया। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये आपके UKPCS और स्टेट लेवल के और जितने आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाएगा। सो मिलते हैं स्टूडेंट नए चैप्टर में जिसका नाम है गुप्ता पीरियड, वहाँ से जिसको हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। आगे नए चैप्टर में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।